बहुत अच्छा लग रहा है, आप वॉक करते हुए देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ हाँ जो प्लीज। आपके ये कोर्स के थ्रू हुआ है मेरे साथ। आपके जो NLP के कोर्स है, जो आपके अफर्मेशंस है, वो मैं डेली करते रहता हूँ, तो वो रेगुलर प्रैक्टिस में हूँ। और अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने को आ रहा है, तो मेरे को दो चीजें के बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है। एक की अनएक्सपेक्टेड मनी, मतलब वो मैं सोचता नहीं हूँ लेकिन आ जाता है। मेरे कंपनी ने मेरे को ईसॉप दिया था, तो मैंने वो ईसॉप को कभी देखा भी नहीं, मैंने वो ऐसे ही पड़े हुए थे। तो फिर 15 दिन पहले मैं ऐसे ही मार्केट में गया, मतलब उस कंपनी का शेयर देखा, वो कंपनी का शेयर जो मैंने मेरे को कंपनी के प्राइस से मिला था, वो शेयर कंपनी का 3,500 हो गया है। मतलब आपको बोल सकते हैं कि वो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो मेरे को अब तक 12 लाख का प्रॉफिट हुआ सर, मैं उसको बेचा तो। फैंटास्टिक। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक वो चीजें आई जिसकी वजह से मेरे काफी सारे लोन्स क्लियर हो गए, तो एक एक बहुत बड़ा बेनिफिट आया मेरे को। दूसरी चीज था कि मैं बुक लिखने का सोच रहा था कि मैं कुछ बुक लिखूं, तो उसका आइडिया मिला और मेरा बुक का कवर पेज बन चुका है और उसका मतलब समरी भी बन चुका है और ऑलमोस्ट हाफ बुक तैयार हो गया सर। वाह विद दैट ऑल्सो इन्हें ऑलमोस्ट 50 to 20 days के अंदर ही हुआ ये सब चीजें। ये तो एक दूसरी पहलू होगी जो मेरे साथ मैंने किया है। और बाकी हेल्थ के प्रॉब्लम भी बहुत सॉल्व हो रहे हैं। आपके जो एफर्मेशन थे, वो गट का सर, वो बहुत बहुत एक्टिव है सर। थैंक यू वो मैं सो। जितना बार करता हूँ वो रिस्पॉन्स करता है, दैट इज आई लव दैट। क्योंकि मैंने वो मेरे वाइफ से भी किया, तो सबने वो एक्सपीरियंस किया और ग्रेट। दे फेल दैट। और आपकी जो सिखाई हुई चीज है, मैं थोड़ा मेरे वाइफ के ऊपर थोड़ा वो उसका एक्सपेरिमेंट करता हूँ, क्योंकि मेरे वाइफ का अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, यही सब चीजें मैं उनको बताया, उनको करने के लिए बोला, उनका अर्थराइटिस से नील हो गया, उनको इंजेक्शन चलता था, अभी इंजेक्शन नहीं है। थैंक यू ही सो। वर्किंग एंड सी, मतलब उनका नॉर्मल लाइफ वापस आ गया सर। दैट इज वेरी थैंक यू फॉर।